नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टूडियो, मैं हूँ रूहानी। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद उन तमाम छात्र छात्राओं को जिन्होंने अच्छे अंक हासिल किए हैं दसवीं की परीक्षा के परिणाम में। अभी मैं एसपी स्मार्ट स्कूल में मौजूद हूँ, यहाँ पर टॉपर्स की लिस्ट जो है आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये टॉपर्स हैं क्लास टेंथ के, मानिक डोगरा 98.4% जो है मार्क्स इन्होंने लिए हैं। उसके बाद रेहान तयाब 98.4% मार्क्स इन्होंने लिए हैं। उसके बाद याशिता संभ्याल 98.4%, और ये सारे डिस्टिंक्शन होल्डर्स हैं। मोर देन 81% स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने डिस्टिंक्शन ली है। अभी हम आपको बताएं तो ये एसपी स्मार्ट स्कूल का जो पूरा अगर हम कहें रिजल्ट का चार्ट जो है वो आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर 85% जो बच्चे हैं वो 271 जो मार्क्स है उससे ज्यादा लेकर आए हैं। 80% जो है उनके जो है मार्क्स 334 से ज्यादा है। तो इसी तरह से अगर हम आपको बताएं तो बच्चे जो है काफी ज्यादा खुश है, उनके माता पिता उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और सेलिब्रेशन मोड जो है वो ऑन हो चुका है, क्योंकि कल ही दसवीं की परीक्षा के परिणाम निकले हैं और सब जो है एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। मिठाइयाँ जो है यहाँ पर खिलाई जा रही है। देखिए किस तरह से मिठाइयाँ जो है यहाँ पर खिलाई जा रही है, और मिठाइयों के डब्बे हैं। अच्छा, कितने मार्क्स आए आप? 98% आए। 98% आए, तो 98% लाने में मेहनत तो बहुत की होगी। हाँ, मेहनत की है, और टीचर्स का भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, और पेरेंट्स का भी। और एसपी स्मार्ट में तो पढ़ाते ही बहुत अच्छा है, और यहाँ पे फाउंडेशन वगैरह इतनी होती है, टेस्ट होते हैं, तो तैयारी हो ही जाती है सबकी। और अच्छा, एक हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम है जो ज्यादातर जम्मू में नहीं देखने को मिलता है, वो कितना सक्सेसफुल रहा आपकी सक्सेस में, और उस तरह का सिस्टम कैसे अडॉप्ट किया जाए? अच्छा सिस्टम है, जो जिन बच्चों को पढ़ना होता है उनके लिए वो बहुत अच्छा सिस्टम है, और एसपी स्मार्ट में ये सिस्टम आई थिंक सबसे अच्छा है, क्योंकि हमें जो है हम घर पे भी पढ़ पाते थे इसकी वजह से, और हमें जो भी काम वगैरह होते थे, डाउट होते थे, वो ऑनलाइन में भी क्लियर हो जाते थे, ऑफलाइन में भी क्लियर हो जाते थे। और हाइब्रिड सिस्टम सच में बहुत अच्छा सिस्टम है। और आप कैसे पढ़ाते, कैसे सिस्टम? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब डाउट्स क्लियर होते हैं, सब फाउंडेशंस होती है, टेस्ट होते हैं, सब क्लियर कर देते हैं, एक्स्ट्रा हमें नोट्स भी दिए जाते हैं, सब कुछ क्लियर कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद एक स्ट्रीम के लिए आपको आगे बढ़ना होता है, कौन सी स्ट्रीम लेने वाले? मेडिकल। डॉक्टर बनना आपको? डॉक्टर ही क्यों बनना है? डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि घर वालों का भी यही है कि बच्चों को मतलब मेरे घर वालों का मतलब ये है कि उनकी ख्वाहिश है कि मैं एक डॉक्टर बनूं। हमारे घर पे डॉक्टर के अलावा सब घर वाले बन चुके हैं, तो बोलते हैं कि हमारी बेटी। आप सपने पूरे करोगे? हाँ, सपने अपने। अच्छा, भी पेरेंट्स भी यहाँ पर है, कितनी खुशी हो रही है? कितनी खुशी हो रही है फैमिली के, आप एक अच्छे सदस्य हैं, आप इनका साथ देने के लिए आए, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हुई हमें जब कल हमने कल रिजल्ट सुना, तो हमें बहुत ही खुशी हुई, और ये स्कूल भी अच्छा है, इधर का डिसिप्लिन वगैरह और सब कुछ ठीक, हमें अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है। तो क्या चाहते हैं, डॉक्टर बने? पक्का पक्का डॉक्टर बने। तो कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, आपके कितने परसेंट मार्क्स आए? 98%। मुश्किल हुई है मार्क्स लाने में? कितनी मेहनत लगी? मेहनत तो बहुत लगी, बट स्कूल का हार्डवर्क था तो इजिली हो गया। अच्छा, डेली रूटीन कैसे रहती है? स्टडी का मटेरियल यहाँ से आपको मिलता है, और उसके बाद आप स्टडी कैसे करते हैं? एक्चुअली जब हमारी स्कूल में छुट्टी होती है उसके बाद हमें पास टाइम होता है, हम रिवाइज करते हैं, वो नेक्स्ट डे हमारा वैट होता है, एंड ऑनलाइन क्लासेस होती है, हम ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे से पढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो डाउट कंडक्ट करते हैं, नेक्स्ट डे हमारा वैट होता है, तो कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाए तो फिर से क्लासेस होती थी, एंड इतना अच्छा शेड्यूल है कि हमें प्रॉब्लम ही नहीं आई है। अच्छा, कितने परसेंट मार्क्स आपके हैं? ये मेरी सिस्टर है। अच्छा, कितनी खुशी, कितनी? बहुत ज्यादा, लेकिन आप तो स्टूडेंट ही लग रहे हो। क्योंकि हमें बहुत मतलब स्कूल, ये सिर्फ स्कूल नहीं है, ये ऐसा सिस्टम है जिसने ये 98% सिर्फ इसकी मेहनत नहीं, सारी टीचर्स की, हर टाइम अवेलेबल, रात के 12 बजे, इवन इसको कोई डाउट होता पर्सनल डाउट मैम इसकी कन्वो करती थी। बेस्ट स्कूल, लाइक आई कुड। अच्छा, अब उन्होंने तो डॉक्टर बनना है, अब आपके बनने वाले हो? एक्चुअली मुझे पुलिस ऑफिसर बनना। पुलिस ऑफिसर? पुलिस क्या पसंद, क्या लगता है उसे? मुझे IPS। IPS करना। yes, देखिए सिविल सर्विसेज की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं, और ये तमाम अगर हम आपको बताएं, ये स्टूडेंट्स हैं, काफी ज्यादा खुशी इन सबके चेहरे पर है, और इस समय सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि अच्छे मार्क्स जो है इन तमाम स्टूडेंट्स ने अटेंड किए हैं 10th क्लास के एग्जामिनेशन में, काफी ज्यादा मेहनत जो है इन सब ने की है। उसके बाद जब इस तरह के मार्क्स आते हैं तो खुशी जो है डबल हो जाती है। कितने मार्क्स आए आपके? 94 तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की आपने? काफी मेहनत की। कैसे डेली रूटीन कैसे रहता था स्टडी? डेली रूटीन यही था कि एसपी में सुबह एक दिन ऑनलाइन था, एक दिन ऑफलाइन। ऑनलाइन में हमें क्लासेस लगानी होती थी जिससे कि हमारे सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते थे, एंड ऑफलाइन में हमारा दिन जो था वो स्कूल में अच्छे। टीचर्स कितने बड़े सपोर्ट सिस्टम रहे हैं? टीचर्स ने भी अच्छा सपोर्ट किया हमें, और उन्हीं का रोल था। पेरेंट्स का रोल? क्या बनना, क्या चाहते हो, कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हैं इसके बाद? स्ट्रीम मैंने मेडिकल लिया है, डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना। आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं? I'm 97%। 97%। I am expecting more।
मोर बाय मैम पेपर अच्छे हुए थे काफी तो कहाँ से मार्क्स कहाँ से कटे मार्किंग आपको लग रहा डाउट हो रहा मार्किंग रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना तो मैम वहाँ पे रीचेकिंग के लिए लेकिन अच्छे मार्क्स इतने भी नहीं आते बट मैम स्माइल तो करो यस मैम बट जितना हमने वो हार्डवर्क किया था उससे तो कम ही है कम आया आपके कितने परसेंट मैम 95% 95 तो अभी कौन सी स्ट्रीम लेने वाले नॉन मेडिकल नॉन मेडिकल यस मैम तो क्या बनना क्या चाहते हो आप मैम मैंने जेई का पेपर देके इंजीनियरिंग करनी है पहले ही डिसाइडेड है तो फैमिली का कैसा रिएक्शन था जब आपके इस साल का रिजल्ट निकला मैम बहुत ज्यादा खुश थे 95 मैम एक्चुअली क्या है कि मेरी इंग्लिश में जो है वो B2 दी है बाकी सब में A1 प्लस मतलब A1 ग्रेड है मतलब इंग्लिश में सबसे ज्यादा नंबर कम है पता नहीं उन्होंने शीट क्या किया उसका रीचेकिंग होगी तो ही पता चलेगा लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी है जिनको संतुष्टि नहीं है अपने रिजल्ट से तो वो डाउट है उनको रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स हैं अच्छा कितने परसेंट मार्क्स 97 कितनी मेहनत लगी 97 तक पहुँचने के लिए अच्छा कैसे स्टडी कैसे करते थे सक्सेस मंत्र क्या है आपका कुछ नहीं की कंसिस्टेंसी बना के रखनी है और पढ़ाई भी करनी है अच्छा हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम यहाँ पर होता है तो क्या अलग है कैसे पढ़ाते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ऑनलाइन में पढ़ाते हैं टीचर्स डाउट क्लियर करते हैं अच्छा आपके कितने परसेंट आया 96.2 तो कैसा रूटीन कैसा रहता था आपका कि मतलब हर दिन पढ़ते थे कंसिस्टेंट रहते थे और साथ में अपने डाउट्स कुछ भी होते थे तो टीचर से क्लियर करते थे टीचर्स हमारे डाउट क्लियर कर देते थे और एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है यहाँ पे तो उसके कारण हमें टाइम ज्यादा मिलता है सेल्फ स्टडी के लिए और फिर अच्छा सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं टीचर्स ने कितना सपोर्ट किया और फैमिली का क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट आया फैमिली का रिएक्शन बहुत अच्छा था सेलिब्रेशन हुई पार्टी हुई कल yes, घर में क्या खाया कल आपने कल हमने एंजॉय किया था ऐसे भी और साथ में पीता हुआ अच्छा इस टाइम पे ना सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया यूज करते थे मैम कभी किया तो नहीं मैम नहीं किया बिल्कुल भी नहीं किया मतलब डिस्ट्रैक्शन थी नहीं लाइफ में कभी किया ही नहीं कितना परसेंट मार्क्स आया 95% है तो आगे कौन सी स्ट्रीम लेने वाले मेडिकल लेने वाले ये भी डॉक्टर बनने वाले ज्यादातर डॉक्टर यहीं से निकलने वाले कुछ और स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करते हैं तो ये ज्यादातर अगर हम कहें काफी ज्यादा खुशी है कितने परसेंट मार्क्स आया 97% कितनी मेहनत लगी 97 तक जाने के लिए मेहनत तो बहुत लगी है साथ में स्कूल वालों ने इतनी प्रैक्टिस करवाई थी कि हमें लास्ट बुक में बर्डन नहीं पड़ा था तो उसमें हमें बहुत हेल्प हुई अच्छा किस तरह का स्टडी रूटीन रहता था आपका स्टडी रूटीन यही था एक तो स्कूल वाले प्रिपेयर करते थे सुबह क्लासेस होती थी फिर उसके बाद हमें बैट वगैरह देते थे फिर उसके बाद रात को ज्यादातर हम स्टडी करते थे सुबह क्योंकि शोर वगैरह होता था सुबह नहीं सोशल मीडिया यूज करते हो नहीं सिर्फ हम व्हाट्सएप यूज करते हैं व्हाट्सएप यूज करते हो मतलब डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज ही नहीं है लाइफ में आपकी हाँ जी बिल्कुल नहीं है नहीं। अच्छा क्या करना क्या चाहते हो आगे डॉक्टर बनना चाहते हो आपके कितने परसेंट 98% तो 98% तक जाने के लिए कितनी मेहनत लगी आपको ऑब्वियसली मेहनत बहुत लगी है बट उसी की तरह हमने एंजॉय भी बहुत करा बट इसमें मेहनत भी बहुत लगी अच्छा क्या बनना क्या चाहते हो डॉक्टर सारे डॉक्टर यहीं से निकलेंगे तो यहाँ से मैक्सिमम डॉक्टर्स निकलने वाले हैं मेडिकल स्ट्रीम ये तमाम बच्चे जो है अडॉप्ट करने वाले हैं लेकिन कुछ को डाउट है वो रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई करने वाले हैं तो ये सेलिब्रेशन मोड यहाँ पर ऑन हो चुका है एसपी स्मार्ट स्कूल से मैं आपको विजुअल सिखा रही हूँ आप भी इन तमाम छात्र छात्राओं को कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना ना भूलेगा आप मेरे पास बड़े देखते विश्व सुभान इनका ना एक वो विक्ट्री